अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी महा अबासी, वेलकम टू माई अदर व्लॉग। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज, आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि आज मैं एक बनाऊंगी रेसिपी जिसका नाम है, मैं अल्लाह की कसम इस कुत्ते का मुंह तोड़ दूंगी। रेसिपी का कुछ नाम इस तरह है कि चीप तबाक दमदम। मुझे तो अभी तक खुद नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है टिकटॉक पे, तो रेसिपी का नाम मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा यही होना चाहिए। तो जब तक आप अगर पता नहीं चलेगा कि क्या बना रही, तो जब तक हमें आप पूरा व्लॉग नहीं देखेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम में, कि आपको न्यू व्लॉग्स मिल सके। सो गाइज, ये कपड़े हैं जो कि रेगुलर मैं पहनती और उतार के इधर फेंक देती हूँ, और मेरे पर संभालने की हिम्मत नहीं होती, और मुझे घर से ढेर सारी डांट पड़ती कि यार अपने कपड़े उठा के अलमारी में रख दिया करो। बट आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो इनको उठा के अपनी अलमारी में रखते हैं। और वो मेरे नए ड्रेसेस हैं जो कि अभी थोड़े थोड़े आपको दिखाती हूँ, मैंने क्या शर्ट्स ली थी आउटफिटर से, तो मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने की थी आउटफिटर से थोड़ी बहुत शॉपिंग अपनी समर की, और ये है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या। सो गाइज, ये एक ली थी हमने सिंपल वाइट शर्ट जो कि हम पहन सकते हैं ब्लैक के साथ भी, ब्लू के साथ भी, और बहुत अच्छी लगेगी ये मेरे पर। इसके बाद हम दिखाते हैं एक और जो कि बहुत खूबसूरत है, उसके कलर्स बहुत प्यारे हैं और शर्ट्स भी बहुत प्यारी है। सो गाइज, एक मैंने ये शर्ट ली है जिसका कलर बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, और मैंने कहा था लेनी है तो बस यही शर्ट लेनी है, और इसी के मतलब सेम 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 है, और बस कलर चेंज है। दूसरी हमने शर्ट ली है वो भी मैं दिखाती हूँ। और ये एक कलर लिया है बेज, और इसको हम स्लीवलेस बिल्कुल नहीं पहनेंगे। मैंने सोचा था इसको विंटर में हम पहनेंगे, जिसके ऊपर इसके ऊपर जैकेट, लॉन्ग जैकेट पहन लेंगे, शॉर्ट जो भी है करके इसको हम अच्छे से कैरी करेंगे शर्ट्स को, क्योंकि बहुत खूबसूरत, ये तो बहुत खूबसूरत कलर है और ये भी प्यारा है। अब मैं इसके बाद एक और दिखाती हूँ जो सेम इस जैसा, बस कलर चेंज। और एक ये है पिंक, और ये दोनों सेम सेम है, क्योंकि इनका खूबसूरत सा डिज़ाइन, ये जो दिल है इसकी वजह से हमें बहुत पसंद आया था, और मैंने कलर्स की वजह से और इस दिल की वजह से दोनों शर्ट्स ली। सो गाइज, ये है मेरा टू पीस ड्रेस जिसमें ये स्कर्ट है एंड देन ये इसकी शर्ट है, और ये मैंने ना अभी तक नहीं पहना, सब कुछ अभी नहीं पहना। इंशाल्लाह मैं पहनूंगी और आपके साथ ये इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि मेरे पास कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आप लोग देख लो कि आपको ये वाला स्कर्ट एंड शर्ट अच्छी लग रही, आप सोचेंगे, मैं भी सोचती हूँ कि ये पहन के कैसा लगेगा, देखने में तो अच्छा लग रहा है। एंड तो ज़ारा, ज़ारा बेबी देखो कपड़े, ये ज़ारा आई अभी सो के उठी है, और इसको पेपे आपके, ये पेपे किसके है, आपने कौन सी शर्ट लेनी है? ज़ारा आप ये वाली शर्ट पहन सकती हो, ये छोटी है, कह रही है ये छोटा है। ज़ारा ये छोटी है, हाँ ये आपकी है। ज़ारा बेबी, ज़ारा ये दिखाओ कैसी लग रही है सबको। गाइस ये देखो, ये तो असल ने मेरी शर्ट पहनी है, और तो असल लुक एट मी, तो असल इधर देखो, ओ वाओ, तो असल के चाहे अल्लाह जी मुकद्दर। तो गाइस, ये लास्ट शर्ट है जिसकी शुक्र फाइनली इसकी स्लीव्स थी, और ये बहुत इजीली मैं कैरी कर सकती हूँ, और जब मैं पहनूंगी तो आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगी। और तो असल जितनी जो मेरी दो शॉर्ट शर्ट थी वो तो असल पहन के भी ट्राई करी, अब सेकंड वाली वो पहन के ट्राई करी, मैं दिखाती हूँ उस पर कैसी लग रही है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन पिंक वाली से परफेक्ट आई थी। वाओ तो असल, तो असल पे देखिए ये शर्ट कैसी लग रही है, तो असल की ये तो असल को शर्ट अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसको बहुत लंबी थी। सो गाइज, अब हम रेडी होंगे, मेकअप करेंगे, और मैं थोड़ा सा मतलब घर में ही हूँ तो मैं थोड़ा बहुत टचअप दूंगी अपने फेस को, और तैयार होते हैं। गाइज फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब हम जाएंगे किचन में, और आज मैं आपसे अपनी एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी जो मुझे भी नहीं पता कि वो बन के कैसा टेस्ट देगी। तो चलते हैं किचन में, महाबासी जा रही है अब पहली बार किचन में, तो आप सोचो जो मैं जो काम नहीं करता और वो पहली बार किचन में जा रहा था, उसके क्या हालात होंगे, मतलब वो क्या चीज़ बनाएगी। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बनाना चाहूँगी। चले जी चलते हैं किचन में। हालत ऐसी है, सो गाइज मेरी हालत कुछ ऐसी है कि मिर्चें गिर गई थी मेरे से, क्योंकि महामदासी आई है पहली बार किचन में, कुछ गलत ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और मुझे हो गया छींके शुरू। अल्लाह जी खुदाया, चले अब हम अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि उस रेसिपी में कौन सी मेन चीज़ें जो हम डालें, जो मैं बनाने लगी हूँ उसमें सबसे पहले डालेंगे मिर्चें, प्याज, टमाटर, और मेन चीज़ है एग। तो ये मिर्चें जो मेरे से गिर चुकी थी, ये एग पे भी लग गई कुछ प्लेट पे, और उससे मिली, और सबसे मेन चीज़ इसमें है ये वाला। सो गाइज, हम ये वाला वेवी यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें मेन सबसे किरदार इस चीज़ का है, और ये हम यूज़ करेंगे। और अब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ये यूज़ हो रहा है,
सब काम इसका है और फिर इनका है और फिर इनका है और फिर है। सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं और हम अब कटिंग करते हैं स्टार्ट। एक ही मिर्च काफी रहेगी, मुझे मिर्ची लगी तो आप सबको आज लगेंगी मिर्चियाँ। गाइस आज हम सबको करवाएंगे मिर्चियाँ, आज मेरी रेसिपी होगी मिर्ची। सबका रिएक्शन लेना है, महामबासी ने बनाई आज रेसिपी। इतने आई थिंक सो काफी है। अब लेंगे हम टमाटर, इसको हाफ कर देंगे, इसका भी हमें हाफ पार्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये वाला पार्ट हम साइड कर देंगे, हमें सिर्फ ये वाली साइड चाहिए। कटिंग 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 ओके। इसके तरह जो ये भी इतना इनफ, आपको पता है कि जो मैंने मिर्चों वाला काम किया था, महामबासी आई थी किचन में और सारी मिर्च गिर गई रेड और वो हाथों पे लगी, फिर मैंने वही हाथ मुंह पे लगा ली। अशुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा हाल हो रहा है। इतना सब कुछ काफी है, मैं इसको फ्रेंड कर दे, इसको ब्लॉक कर दे और मेरे ख्याल से इसको साइड कर देते हैं। अब हम करेंगे प्याज को कट, देन ये रोलो थोड़ा सा गाइस। अपनी रुखसति में रो ना रो पर किचन में जरूर रोते हैं हम। पर इसका भी हम हाफ पार्ट लेंगे, ज्यादा नहीं, हाफ इनफ। चलिए कटिंग करने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, गाइस ये मैंने कट कर लिया अच्छे से आपके सामने, किसी की हेल्प नहीं ली, महामबासी ने खुद कट किया अपने हाथों से, जब मैं काम करती हूँ और बहुत अच्छा काम करती हूँ। अब हम करते हैं गाइस, अब मेन चीज़ शुरू हो चुकी है, अभी हम खोलेंगे इसको अच्छे से और अब इसमें हम चीज़ डालेंगे, मेन चीज़ है एग, इसको हम डालते हैं इसमें। अब हम डालेंगे इसमें एग, जो कि हमने डाल दिया है, एग हो गया कम्प्लीट। देन हम इसमें डालेंगे जो हमने कटिंग की थी, पहले हम डालेंगे प्याज, फिर हम डालेंगे टमाटर, फिर हम डालेंगे जो हमने मिर्चें काटी थी और जो रह चुका है इसको भी हम डाल देंगे इसमें। अब हमने सबको डाल दिया, हम थोड़ा सा नमक डालेंगे एज अ टेस्ट, थोड़ा अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक बस, क्योंकि अपना भी इसमें होगा। मिर्चे डाली, मिर्चे हल्की सी बस, चलो सब कुछ जो जो डालना था इसमें डाल दिया। अब हम इसको ना ऊपर से कर लेंगे पैन, जो अंदर है उसको ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके अच्छे से ना हिलाएंगे, कि जो है वो है उसको ऐसे ऐसे करना हो गया। अब हम देखते हैं सोचो कैसे बनी होगी, हो गया रेडी। सो गाइस अब हम इसे डालने लगे हैं इसमें। फाइनली महामबासी की रेसिपी, जो कभी कभी किचन में आने के बाद बनता है क्या बन गया, फिर दूसरे बताते क्या बन गया।
खराब ना कर दी। अब हम इसको करेंगे थोड़ा कट एंड थोड़ा ये ऐसे, बस टेस्ट में देखते हैं कैसा है। बनने में तो परफेक्ट बन गया, वाओ। इसको हम उठा रहे हैं लेकिन हम कोई नहीं यार, देखिए एंड में इसका टेस्ट चेक करना टेस्ट कैसा है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं तो सबके रिव्यू लूँगी पूरे घर से कि उनको कैसा लगेगा। सो गाइस, हमने इसको अपनी प्लेट में तैयार कर लिया, अब हम सबका रिव्यू लेने जाएंगे। दिस इज़ माई फाइनल प्लेट तो गाइस, जो मैंने रेसिपी बनाई है सबसे एक्साइटेड है तोसल जा। तोसल, आपने क्या खाना है? आपने खाना है? हाँ। चलो तोसल को टेस्ट करवाते सबसे पहले हम अपनी फाइनल जो मैंने बनाई अपने। तोसल कह रही है मुझे, तोसल ट्राई करो। अब मैं एक से तो पकड़ो ना, तोसल एक एक आधा आधा सबको ट्राई कराना। मैंने हॉट है ना, तो ऐसे कैसा है? यम्मी, थम्स अप यम्मी यम्मी। बाबा कैरी, बाबा खाएंगे। अब ये खिलाएगी अपने बाबा को। अब हम ये मिर्चों वाला ना, नहीं ये ना दी, मिर्चों के ऊपर था। नहीं बाबा। अब ये लेगी बाबा से रिव्यू। चलो शाहरुख, आप बताओ कि ये कैसा बना है टेस्ट। हम लेंगे थोड़ा सा, मैं चम्मच से खाऊंगी कि कैसा लगता है, क्या टेस्ट है इसका। आराम से आराम से, मिर्च ना चली गई मुँह में। बहुत मज़े का है, मैं कामयाब होगी। अब और आते हैं, सिस्टर से पूछती हूँ, दूसरी आती है उससे पूछती हूँ क्या रिव्यू है, तो उसके वेट और उसके आने का वेट करते हैं। सो अब हम लेंगे छोटी भाभी से रिव्यू कि उनको ये वाली रेसिपी मेरी कैसी लगी जो मैंने बनाई। खाएं और बताएं कैसी लगी है। थम्स अप। तो गाइस, फाइनली आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, उसके रिव्यूज़ भी आप लोगों ने देखे, मैंने खुद भी टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग्स के साथ आती रहूँगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और फॉलो कर दें इंस्टाग्राम में। बाय बाय, हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।